सन 2009 में मऊ के ठेकेदार और उनके सहयोगी की दोहरे हत्याकांड के मामले में आज मऊ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आने वाला है। इस मामले में मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी सहित दर्जन भर लोग आरोपी बनाए गए हैं। वादा जेल में बंद मुख्तार और सभी आरोपियों को कोर्ट ने आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। वे मुख्तार के आने को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया, जिसमें पुलिस आज सुबह से ही कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। 6 थानों की फोर्स के साथ पीएससी और भारी मात्रा में पुलिस बल जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। पूरे शहर में 4 जगह बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस लोगों की तलाशी ले रही है और साथ ही कचहरी परिसर में आने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी के बाद उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। जैसा कि पूर्व में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी एक सप्ताह पूर्व, इस बार भी उससे ज़्यादा सघन सुरक्षा व्यवस्था है। 5 SHOs DIG सर ने बाहर से दिए हैं, साथ में 1.5 कंपनी PSC है, करीब 100 रिक्रूट्स हैं, 2 क्षेत्राधिकारी हैं, महिला फोर्स है, करीब 6 थानों की फोर्स है और साथ में बम डिस्पोजल स्क्वाड और ASF टीमें लगी हुई हैं, लगातार चेकिंग कर रही हैं। सादे में भी हमारे लोग लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है, किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की संभावना पूरी तरह से खत्म कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि मन्ना सिंह हत्याकांड के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का फैसला 22 सितंबर को आने वाला था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते यह फैसला 27 सितंबर यानी आज के लिए कर दिया गया है। ठेकेदार अजय कुमार सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या जो है 29 अगस्त 2009 को हुई थी। इस मामले में सदर विधायक जो है मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी हैं और इसी मामले में एक सुनवाई जो है ADJ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 आदिल अफ्ताब अहमद के न्यायालय में आज है और संभावना है कि आज जो है मामले में फैसला सुनाया जाएगा। कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है? अगर फैसला आता है तो टाइमिंग तो 12 बजे का दिए हुए हैं कि 12 बजे के बाद ही फैसला सुनाएंगे। इसमें कितने आरोपी अभी जेल में हैं और कितने बाहर हैं? 6 आरोपी जेल में हैं और 5 बाहर हैं। सभी की उपस्थिति हुई आज? हाँ, कोर्ट ने तो सबकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहा है, लेकिन अब फोर्स मिलने पर है कितने आरोपी आज कोर्ट में पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। SPN 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।